क्या भाई, तू तो चुप बैठ, चुप चुप बैठ बिल्कुल। ले सारजा के पहले दो मैच में तुम लोग की वजह से मैं 40 लाख हारे लाऊं, मैं तुम लोग का बोगस परफॉर्मेंस देख के इंडिया की फेवर में मैंने 20 लाख लगाए ने वो भी गए। जुम्मा के दिन 6:30 बजे मेरा इंतकाल हो गया। खुदा मेरे को जन्नत नसीब करे। भाई साहब आप खेलते क्या है जी? मैं हेलमेट पहन के सट्टा खेलता हूँ। मैं तुम लोग जैसे आदमी पे भाव देता हूँ। मैं जब भी कोई क्रिकेट ने हॉकी का मैच खत्म हो जाता है ना, तो ये हेलमेट पहने मुंह पे जो भी जगह बन जाती है उस पे तमाचे मारता हूँ, ले थप्पड़ मारता हूँ। हाय 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 हाय, शारजा जाने से पहले कैसे फिट फाट नजर आ रहे थे। अरे बाबा मैं एयरपोर्ट पे जब पहुंचा तो एक आदमी मिला मेरे को, बोला करीम भाई करीम भाई, ये जो तीसरी मैच में उसके बीच में जावेद मियांदाद की जो कमर उतर जाएंगी। मैंने 10-10 का भाव दे दिया। मैं अल्लाह का करना कैसा कि उसकी कमर उतर गई, मेरा तो पार्टियां जा उठ हो गया मन वैसे। अरे आज तक मेरे कॉटन ने मेरे को दगा नहीं दिया, ने मेरे को 20 ग्राम के सोने ने दगा नहीं दिया, ने मेरे को घोड़ों ने दगा नहीं दिया, लेकिन ये 22 ग्राम के भगोड़े ने मेरे को किधर नहीं रखा है। अरे बाल से 22 ग्राम भगोड़े, 11 ग्राम क्रिकेट वाले ने, 11 ग्राम हॉकी वाले। जो कुछ इन्होंने लिखा, मेरी कोशिश यही हुई कि लतीफ उस स्क्रिप्ट में जरूर हो। मैं खासतौर से लतीफ का कैरेक्टर डेवलप करता था। लतीफ को बहुत गुस्सा आता था कि तुम मेरे लिए एक ही तरह का लिख के देते हो, और सब लोगों ने यही सोचा हुआ है कि मैं एक ही किरदार कर सकता हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मुख्तलिफ खेल हैं जिसमें लतीफ मुख्तलिफ अंदाज से स्क्रीन पर आए। अरे नसीम, बहुत बड़े हूँ भाई। आओ बैठो। सलामुअलैकुम नसीम, इधर आ जाओ। थोड़ी देर पहले आसमा तुम्हारा जिक्र कर रही थी। अच्छा अच्छा, आप अपनी बेटी को ले जाए। भाभी मैंने शादी नहीं की। दिमाग पर जरा जोर डालें, आपकी कोई बेटी भी नहीं है। फिक्र कह रही है सर। आसमा जो है आजकल कुछ परेशान है। कमाल है, तो वालदेन तो बेटी के लिए परेशान होते हैं। आप किसी ऐसे वालदेन को जानते हैं जो अपनी बेटी की वजह से परेशान हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या बताएं, जो भी बात करो हमारा बेटा गाने में जवाब देता है। अच्छा, ऐसा शौक तो मेरी खाला को भी है। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? वो 75 क्रॉस कर चुकी है। और सेहत कैसी है? आसमा की दीवानी हो गई हो, खाला 75 क्रॉस कर चुकी है। तो पहले जमाने की 75 तो आज की 25 से बेहतर है। मेरे खालू का क्या होगा? मैं समझी खाला खाली है। घर जो था लतीफ का वो हर एक के लिए खुला हुआ था। लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लतीफ के भी बच्चे उन दोस्तों से तंग आ चुके थे, मगर सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं कहते थे कि ये अब्बा के दोस्त हैं। मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी लतीफ में। हमको पता ही नहीं था कि लतीफ कितने लोगों का ख्याल करते थे। चुपके से पैसे पकड़ दिए हाथ में, उसका जिक्र भी नहीं किया। उसके जाने के बाद उन लोगों ने बताया, वो मौसीकार भी थे, सारे सारे गाने उसकी धुन सुना देते थे बैठ के, आवाज़ अच्छी थी, डांस का बहुत शौक़ था, और कोई इंडियन पुराना गाना लगा दें, चार्ली के गाने उनको ज़बानी याद थे, और हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार थे क्योंकि हर रोल में फिट हो जाते थे। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था, टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा फ़नकार हमसे जुदा हो गया। सरकार ने जब लतीफ़ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया तो आप यकीन जानिए जब मुझे मिला था उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन हुई जब लतीफ़ को दिया गया। मैंने उनको बहुत ही बागो बाहर आदमी पाया, और ख़ुसूसियत उनकी ये थी कि वह बहुत आसानी से दोस्त बन भी जाते थे और दोस्त बना भी लेते थे। चुनाचे मुझे भी उन्होंने बहुत आसानी से अपना दोस्त बना लिया। बाद के दिनों में मुझे जब उनके साथ
काम करने का या उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जितनी आसानी से दोस्त वो बनाते हैं उतनी आसानी से दोस्त के साथ वो झगड़ते भी हैं। बहरहाल कुछ अरसे तक ये लव एंड हेट रिलेशनशिप जो था ये मेरा और लतीफ साहब का थ्रू आउट रहा, ये उसमें ना उन्होंने कमी आने दी ना मेरी तरफ से कोई कमी उसमें हुई। स्टेज पर भी उन्होंने मेरे साथ काम किया और बहुत जिसको कहते हैं दिल जमाई से, जब वो काम करते थे तो इंतहाई सिंसियरिटी के साथ करते थे। इस्लामाबाद से आई थी पहली बार, मुझे फहमीदा ने और काजिम पाशा ने बुलाया था किसी शो में गाने के लिए, और मेरा कमर्शियल स्टेज पे गाने का कोई तजुर्बा नहीं था। स्कूल कॉलेज में तो गाती थी, टीवी पे भी गाती थी कलियाँ में, तो वहाँ जब मैं आई तो वो उस हॉल में पीसी में था शायद, वो वहाँ साउंड सिस्टम कुछ ठीक नहीं था और मैं गा रही थी तो लोगों को मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी पीछे। मुझे नहीं ये पता चला था क्योंकि कोई उस ज़माने में मॉनिटर सिस्टम भी नहीं था, कोई टॉक अपना फीडबैक भी नहीं थी। मैं गाना शुरू हुई और मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी आवाज़ पीछे नहीं जा रही। मुझे लगा लोग कह रहे हैं कि आप जाइए, मुझे ऐसे इशारे नज़र आए 5-7 और यूं हुआ कि उन्होंने इशारा किया था कि आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं है। मैं गाने एक दो गा के और रोती हुई बाहर भाग गई, बाहर बैठी लॉबी में आके और मुझे सब ने मनाया और मैं रोने लगी, मैं घबरा गई, इतनी मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उस वक्त लतीफ़ भाई मेरे पास आए, बड़ा उन्होंने मुझे प्यार किया कि तुम इतना अच्छा गा रही थी और तुम फिर चलो और सब बुला रहे हैं, और मैंने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, ऊब रोई, मैं नहीं गाऊंगी, कभी नहीं गाऊंगी, मैं कभी नहीं गाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी, ये सच टैलेंटेड आर्टिस्ट और तुम तो इतने अच्छा गा रही थी, मैं तो तुम्हें यूँ, मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं मतलब मुझे बड़ा प्यार से मुझे आके पैम्पर करके फिर मना मनू के मुझे ले गए। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, और मुझे बस एक शफीक सी प्यारी सी शख्सियत जिसकी बहुत प्यारी प्यारी बहुत सी बातें हैं। मुझे एक दिन फ़ोन करके कहते हैं तुम्हारे घर खाने हो रहे हैं और मुझे नहीं बुला रही हो। मैंने कहा है अभी कोई उनकी डेथ से कोई 12-15 दिन पहले, मैंने कहा कोई खाना नहीं हुआ ऐसा जिसमें मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। कहते अच्छा फिर फलाना जो था मेरे साथ, किसी का नाम नहीं मैं ले रही, कोई एक था उनके साथ प्रोड्यूसर जिसके साथ वो निकल रहे थे, उसने कहीं और जाना था, उसने बहाना कर दिया कि वो मैं तो जा रहा हूँ इकबाल और बुशरा के घर खाने पे। तो कहते मैं हैरान कि मेरे बगैर तुम्हारे घर खाना कैसे हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया। मैंने कहा कभी हो सकता है, मैंने कहा वो तो आया ही नहीं मेरे घर 2 साल से। कहते अच्छा, फिर मैंने कहा जी वो कुछ बहाना करा था। तो मतलब इतनी अपनाइत थी उनकी हमारे साथ कि किसी वक्त भी हम कभी भी उनके घर कभी भी जा सकते थे, और वो उनका बस नहीं चलता था कि वो हमें हर वीकेंड बुला ले। बड़ा खरा आदमी था, उसकी ये खरापन मुझे बहुत पसंद था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, और घर में भी आना जाना रहा, और फिर हम कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए, कई ऐसे टेलीविजन खेल हुए जिनमें हम उन्होंने मेरे साथ काम किया। उनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे याद हैं और मशहूर हुए वो थे बारिश, और दूसरा खेल जो बाद में फिर एक और हुआ वो था जो गहराई में गए। ज़्यादातर लोग उनको ये इसमें बुक करते थे कि वो मेमन किसी सेठ का रोल या उसका किरदार, लेकिन जो बारिश का एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत ही उम्दा है। उन्होंने एक बैंक में, चूँकि उनको न सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं बल्कि इसलिए भी कि उनका बैंक का भी जाहिर है उनका पेशा था बैंकिंग, तो बैंक मैनेजर, फिर उन्होंने हमारी कुछ टेक्निकलिटीज़ में भी जाहिर है उनसे हम मशवरा करते थे कि ये होता है ये नहीं होता है किसी बैंक में।